अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, देखेंगे मंदिर निर्माण की प्रगति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज देवरिया दौरा, पथरदेवा में 3 दिवसीय किसान मेले में लेंगे भाग, कृषि मंत्री भी होंगे शामिल। MBBS परीक्षा को लेकर जांच के आदेश, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दिया आदेश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मामला। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया सिद्धार्थनगर दौरा, बोले बाढ़ का पानी कम होने पर भेजे नुकसान की सर्वे रिपोर्ट। UPPCS 2021 का अंतिम परिणाम घोषित, बिहानी के हिमांशु असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पद पर हुए चयनित, तीसरे अटेम्प्ट में मिली सफलता। नोएडा की जमीन के नीचे खनिज पर रिसर्च, भाभा एटमिक के वैज्ञानिकों ने लिए सैंपल, जल स्तर बढ़ने के लिए चेक किया जा रहा केमिकल रिएक्शन। मथुरा जेल के बंदी बना रहे गणेश लक्ष्मी प्रतिमा, इको फ्रेंडली प्रतिमा भी कर रहे तैयार, जवाहर बाग कांड के आरोपी निगरानी में आत्मनिर्भर बन रहे बंदी। डेंगू से पहली और कोरोना से 40 दिन बाद मौत, हाईकोर्ट ने पूछा बचाव के लिए क्या किया। लखनऊ में बुधवार को कोरोना के 11 मरीज मिले, कई दिनों से यह आंकड़ा 6 से 7 के बीच था। ताजमहल के आसपास दुकानें बंद कराने की कार्रवाई 2 दिन से रुकी, ADA को कानूनी सलाह का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियों बंद करने के आदेश दिए थे। PHU में छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस, आज दोपहर सेंट्रल ऑफिस के घेराव का है प्लान। अग्निवीर भर्ती परीक्षा आज से, पहले दिन 7,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल, 20 दिन चलने वाली परीक्षा में करीब 1,00,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एटा में मिट्टी का टीला ढहने से 3 बच्चों की मौत, एटा में खेलते खेलते मिट्टी की सुरंग में घुसे, मलबे के नीचे दबने से गई जान। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।